Oh!
में बारिश भी शुरू हो गई है। बहुत तेज तो नहीं हो रही पर आप लोगों को वीडियो में पता लग रहा होगा। चलिए आप लोगों को अपनी प्यारी दुनिया से मिलाते हैं। अपनी प्यारी दुल्हनिया से तो आप लोग को मिला दिया है, अब दूल्हे राजा से भी चलिए मिला देते हैं। तो ये हैं हमारे प्यारे स्मार्ट से दूल्हे राजा। आप लोग नमस्ते। भगवान करे दोनों की जोड़ी अच्छा। थैंक यू भैया और भाभी आप लोग को आने के लिए शादी में। और भगवान हम लोग हमेशा साथ रहे, किसी की नजर ना लगे। बहुत अच्छा लगा, मैंने खूब एंजॉय भी किया। आप लोग भी हैं, आप लोगों का थैंक यू। सभी लोग घर पे आ गए हैं और सब मैं आ गई हूँ किचन में अपने लाला के लिए भोग बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो वहीं से सब खाना वाना खा के आए थे। तो इंजॉय किया हम लोगों ने, बढ़िया सब डांस वांस भी हुआ। तो सारे डांस का तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, पर कुछ डांस का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो सारी क्लिप मैं लगा दूंगी अपने इस ब्लॉग में, तो आप लोग देखिएगा। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। फिर हम लोगों ने खाना वाना पीना भी खाया। अब टाइम हो रहा है, घर आते आते हम लोग को 9 बज गया है। यार अपने लाला के लिए भोग तैयार करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने कान्हे के लिए मैं बेसन के चिल्ला बना लूँ। तो क्योंकि हम लोग तो खाना वाना खा के आ गए, पर मेरे लाला को मेरे बच्चे को भी तो भूख लगा होगा, बगैर खाने के तो उनको सुना नहीं सकते हैं। तो मैं अपने लाला के लिए बेसन का चिल्ला बनाऊँगी और उसके बाद मैं साड़ी वाड़ी सब चेंज करूँगी और फिर हम लोग करेंगे सोने की तैयारी। तो चलिए मैं लाला के अपना भोग बना लेती हूँ। सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। खाना को ठंडा तो नहीं लग रहा है आज मेरे राजा बेटा को? चलो मेरा बेटा खाना खाएगा, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, है ना? मेरा लाला खाएगा ना अपने बच्चे को। मैंने देखिए लाला को भी भोग लगा दिया है और इसी के साथ आज के ब्लॉग में करते हैं एंड। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।